आज हम बात करेंगे की वेस्ट की, जो कि अमेरिका का एक मोस्ट साउदर्न आइलैंड है, जहां तक जाने के लिए आप बिल्कुल समंदर के दरम्यान में से गुजरते हैं और तकरीबन 42 पुल आप क्रॉस करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मियामी से की वेस्ट आइलैंड तक के लिए। की वेस्ट आइलैंड बड़ा एक तारीखी और मशहूर आइलैंड है और आज हम इसी आइलैंड की सैर करेंगे। फ्लोरिडा में वाकिया जजीरानुमा शहर की वेस्ट अमेरिका में सयाहों की दिलचस्पी का हामिल एक खसूसी मुकाम है, जो अपने वाटर स्पोर्ट्स, तवानाई भरी रात की पुरकैफ जिंदगी, लोगों से भरे साहिल, तारीखी मुकामात और अपने बुर्जनुमा फन तामीर की वजह से खासी शोहरत रखता है। की वेस्ट शहर मियामी के मुकाबले में क्यूबा से ज़्यादा करीबतर है और ये अपने दिलकश मनाजिर की वजह से तारीख का एक मुनफरिद संगम भी समझा जाता है। की वेस्ट अपनी आबोहवा, कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनो, फन तामीर और माहौल में बेतकल्लुफ रुमानवी पन की वजह से सयाहों के दरमियान एक मुनफरिद मुकाम रखता है। आसानी से मैसर सवारियों, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज, पैडी कैब, साइकिल और सैर के लिए मखसूस ट्रेनें शामिल हैं, के ज़रिए शहर के कशिश मुकामात की सैर के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा शहर की खूबसूरती से मज़ीद बेहतर तरीके से लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत से लोग पैदल सफ़र को भी तरजीह देते हैं। सयाहों के नज़दीक की वेस्ट अमेरिका के सबसे ज़्यादा मुनफरिद मुकामात में से एक है, जिसकी बड़ी वजह इस शहर के जियो और जीने दो जैसा रवैया है। की वेस्ट का इंसान दोस्त माहौल सयाहों को अपनी जानिब रग़ीब करता है। यही वजह है कि तकरीबन पिछली 2 सदियों से सयाह अपनी छुट्टियों के बेहतरीन तसरफ़ के लिए की वेस्ट का रुख करते हैं। की वेस्ट जहाँ बहुत से हवालों के साथ मशहूर है, वहाँ इसकी वजह शोहरत मरूफ तारीखी शख्सियात का यहाँ मुकीम रहना भी है। इस शहर का मखसूस फन तमीर ख़ास तौर पर अपने 19वीं सदी के लकड़ी के घर, मुसन्निफीन, फनकारों और कम रिवायती तर्ज ज़िंदगी को तरजीह देने वालों के लिए एक शानदार मस्कन के तौर पर देखा जाता है। मशहूर अमरीकी नावल निगाह अर्नेस्ट हेमिंग्वे और माहिर हयातियात जेम जॉन्स के घर की वेस्ट की उन पुरानी इमारतों में शामिल हैं जिनको तारीखी वर्से के तौर पर महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट और टेनरी विलियम्स जैसी शख्सियात समेत अदब, फन और सियासत से ताल्लुक रखने वाली तारीखी शख्सियात की वेस्ट में मुकीम रही हैं। आइए इस जज़ीरानुमा की वेस्ट की नुमाया खसूसियात और यहाँ के मशहूर मकामात पर सयाहों की जानिब से अंजाम दी जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों का अमूमी जायजा लेते हैं। स्ट्रीट की वेस्ट की अहम सियाहती पट्टी है, जिसमें रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ दुकानें हैं जो सयाहों और क्रूज़ जहाज़ के मुसाफरों की तफरीह के लिए बनाई गई हैं, और गालिबन यही वो जगह है जहां से आप की वेस्ट घूमने के लिए अपने दिन का शानदार आगाज़ कर सकते हैं या फिर अपनी सैर का इख्तिताम यहां पर कर सकते हैं। डुअल स्ट्रीट की वेस्ट का वो मुकाम है जो साल भर में कई तकरीबात और त्योहारों की मेज़बानी करता है, जिनमें सबसे मशहूर हेमिंग्वे डे फेस्टिवल है जो हर साल मौसमी गर्मा में मनक़द होता है। अफसानवी मुसन्निफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1851 का ये हस्बानवी नौ फातिहा दी घर 1931 में खरीदा और फिर 1940 तक इसी घर में रिहाइश पसीर है। सयाह मुसन्निफ के घर का अंदरूनी माहौल भी देख सकते हैं, जहां पर मुसन्निफ के 17वीं और 18वीं सदी के हस्पानवी फर्नीचर का मजमुआ भी मौजूद है। हेमिंग्वे ने इस घर में कई मशहूर नावल लिखे, जिनमें ए फेयरवेल टू आर्म्स और डेथ इन द आफ्टरनून शामिल है। Thank you.
की वेस्ट में सैर को आई फैमिलीज के लिए करने की सबसे अवलीन चीज़ों में से एक बटरफ्लाई और नेचर कंजर्वेटरी का दौरा है। तकरीबन हर उम्र के बच्चे कंजर्वेटरी के कुदरती बाग के मस्कन में छुट्टियों की 50 से ज़्यादा इकसाम के दरमियान चलकर बेहद खुश होते हैं और ये सरगर्मी इनकी बेहतरीन सरगर्मियों में से एक होती है। मालवीज के जहाँ पर पहले एक गोदाम हुआ करता था, अब यहाँ रात के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। रोज़ाना मालवीज केयर पर ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर देखना सयाहों के सबसे पसंदीदा मशागिल में से एक है। इस सरगर्मी में सयाहों की बड़ी तादाद हिस्सा लेती है क्योंकि इसके लिए किसी किस्म की टिकट लेने या पैसे भरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। ड्राई टोर्डेगस पार्क की वेस्ट के सयाहों के पसंदीदा मुकामात में से एक है, जहां पर उन्हें नर्म रेत के साहिलों पर सॉफ्टवेयर के शानदार मौके मयसर आते हैं। इसके अलावा इस इंसान दोस्त माहौल रखने वाले पार्क में शहरियों को हर किस्म की सर्दी की इजाज़त होती है। की वेस्ट वो मुकाम है जहां बहरे ओकेनूस और गल्फ ऑफ मैक्सिको आपस में मिलते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त में की वेस्ट रियासत अमेरिका का सबसे अमीर तरीन शहर हुआ करता था। यहाँ पर हमेशा खुशी की तकरीबात का ही इनेकाद किया जाता है। की वेस्ट से मुतलिक एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि अमेरिका में बहुत कम मुकामात ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी नहीं होती, इनमें की वेस्ट भी शामिल है। सबसे अहम ये बात एक बड़ी दिलचस्प भी है कि की वेस्ट जो है यहाँ पर कैपिटा मुसन्निफीन की तादाद अमेरिका के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ट्रॉली चलती हैं जो कि सयाहों को पूरे शहर का चक्कर लगवाती हैं और जगह जगह स्टॉप करते हुए उनको शहर के जो आइकॉनिक लोकेशंस हैं वो दिखाती हैं। तो हम भी इसी किसी एक ट्रॉली में बैठेंगे और मैं आपको इस तरह पूरे शहर का एक चक्कर लगवाऊंगा और हम अहम जो है मुकामात शहर के वो देखेंगे। इमरानियात की ये एपिसोड देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको की वेस्ट आइलैंड बहुत पसंद आया होगा और मेरी ये एपिसोड भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर अली तूर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।